उज्जैन बनगर तहसील के भड़ावत ग्राम पंचायत और राउदिया पीर गांव के आसपास के करीब 20 गांव से ज़्यादा के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। प्रतिदिन ग्रामीणों की समस्या है कि इनके गांव के पास में ही नदी निकलती हुई है, इसमें पुलिया नहीं है। आने जाने के लिए पुलिया ना होने की वजह से इन ग्रामीणों को करीब 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है इंदौर और धार। वहीं ग्राम पंचायत के शासकीय दस्तावेजों पर दस्तखत करवाना हो, अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से या फिर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जाना हो इन पंचायत क्षेत्र के दूसरे गांव में, तो काफ़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ती है और 35 से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत ने लिखित में कई बार पत्र दिए वरिष्ठ अधिकारियों को, साथ ही ग्रामीणों ने भी कई बार अपनी समस्या बताई वरिष्ठ अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों को, पर वर्षों वर्ष बीत जाने के बाद भी नदी के ऊपर पुलिया नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से यह ग्रामीण बेहद परेशान हैं और पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं। भाई साहब, आप किस ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं और वर्तमान में क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है? ग्राम पंचायत जिला में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। जो भी निर्माण कार्य शासन से निर्धारित किए जाते हैं उनका हम ग्राम पंचायत के माध्यम से फॉलो करते हैं। भाई साहब, आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में काफ़ी समस्या आ रही है, जैसे कि पुलिया नहीं होना और नदियाँ नदी निकली हुई है, जहाँ से ग्रामीणों को करीब 35-40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। वहीं शासकीय काम के लिए आपको भी करीब 40-35 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। किस प्रकार से ठहराव प्रस्ताव, किस प्रकार से पत्र व्यवहार किया गया, किस प्रकार से क्या रहा इस संबंध में? हमने पूर्व में भी ग्राम पंचायत स्तर से मांग की गई है, ग्राम लोहाना होके बिड़ावत और ग्राम बिड़ावत नंबर 3-2 को जोड़ने के लिए पुलिया की मांग की गई है और साथ में रोड की मांग की गई है, क्योंकि बंडा क्षेत्र के लोगों को बदना और जाने के लिए कम से कम 40-45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर इस नदी पर पुलिया बन जाती है और रोड हो जाता है तो बंडा वासियों के लोहाना क्षेत्र के जो भी गांव लगते हैं 30-40 गांव, उनको डायरेक्ट बदना और 4 लेन के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना पड़ता है। इसके लिए हमने पूर्व मंत्री जी को इस संबंध में मांग की गई है पुलिया निर्माण और रोड के लिए। ये देखो, मतलब हाथ नहीं हिलना चाहिए। बंडनगर तहसील की अगर बात करें, बंडनगर तहसील के लास्ट कॉर्नर पर करीब करीब आने वाली ये ग्राम पंचायत सुखलाना है, जहां पर सारे ग्रामीण लोग रहते हैं और इन ग्रामीणों की बड़ी समस्या यह है कि यहां पर एक नदी निकली हुई है, चामला नदी, वहां पर पुलिया नहीं है। पुलिया नहीं होने की वजह से इन ग्रामीणों को और शासकीय काम करने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को करीब 30-35 किलोमीटर घूमकर ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है और वर्षों वर्ष होने के बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हो रहा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के सहायक सचिव जी प्रकाश जी, मौजूद हैं। बताइए किस प्रकार से परेशानी आती है और किस प्रकार से क्या हो रहा है। प्रकाश जी, आप बताइए क्या समस्या रहती है और क्या है? भाई साहब, यहाँ ग्राम राउदिया कला से हमारा जो पंचायत मुख्यालय है, सीधे जाने में 5 किलोमीटर का लगभग रास्ता है, पर ये चामला नदी बीच में पड़ती है। चामला नदी पड़ने के कारण हमको यहाँ इस गांव से पंचायत मुख्यालय तक जाने में करीब 40-45 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और ग्रामीणों को भी पंचायत मुख्यालय जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखा किस प्रकार से जो है, यह जो ग्रामीण है और शासकीय कर्मचारी हैं, उनको भी इस परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है और प्रतिदिन इस समस्या से जूझना पड़ता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। The report, Voice of Right.